आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लव विद चॉकलेट। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस सेलिब्रेशन एंड बनाते हैं एक और मजेदार चॉकलेट, चॉकलेटी चॉकलेट रादर। हम बनाएंगे नटी चॉकलेट विद डार्क चॉकलेट। लेट्स बिगिन। एक छोटे से पॉट में जैसे मैंने पहले किया था, हमने थोड़ा सा पानी लिया है। ध्यान रखिए पानी का लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली वी वॉन्ट द चॉकलेट टू मेल्ट जस्ट विद द स्टीम। सो अब इसके ऊपर मैं ये डार्क चॉकलेट उसे रख रही हूँ एंड धीरे धीरे विद द स्टीम इज गोइंग टू स्टार्ट मेल्टिंग। तब तक हम क्या करेंगे, हम लेंगे थोड़े से नट्स, सम चॉप्ड आलमंड्स एंड चॉप्ड वॉलनट्स जो मैंने लिए हैं। इसे जस्ट हल्के से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नट्स को भी ज्यादा आप ज्यादा देर मत रोस्ट कीजिए। वी डोंट वांट देम बर्न्ट, वी जस्ट वांट दैट लिटिल स्लाइट रोस्टेड पील टू इट। मुझे तो नट्स चॉकलेट में बहुत पसंद है। कई लोगों को नट्स नहीं पसंद है, इनफैक्ट कई लोगों को एलर्जी भी होती है नट्स से। जस्ट अवॉइड द नट्स, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप इट क्लीन चॉकलेटी। ओके, ये चॉकलेट हो गया है, इसे हम निकाल देते हैं बाहर। यहाँ हमारे ये नट्स भी रोस्ट हो गए हैं। मैंने वॉलनट्स एंड आमंड्स लिया है। यू कैन टेक व्हाटएवर यू लाइक, कैश्यू नट्स, हेजलनट्स, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो भी आप डाल सकते हैं। बस इसे हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हमने जो नट्स रोस्ट किए हैं उसमें मिला देंगे। ओके, इट्स डन। चलिए अब इसमें हम ये नट्स ऐड कर देंगे and we're going to nicely mix it. Ab lenge hum phir se ye mold. Yes, it is heart shaped again. After all, Valentine's week hai bhai. Kyun nahi sab kuch heart shape hoga? Hoga, zarur hoga. Dil ke saath hum pyar ko celebrate kar rahe hain aaj with some yummy chocolates. So let the love begin. Okay, chaliye ab hum dal denge चॉकलेट को इन मोल्ड्स में। अब इसे एक बार टैप कर लेंगे ताकि जो भी एक्सेस एयर बबल्स हो उसके अंदर वो एस्केप हो जाएगा। आई थिंक आई बेटर कंट्रोल माई सेल्फ, इस बार टिश्यू ही से वाइप कर लेती हूँ वरना कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ेगा जिम में। आई मेंट लेट्स जस्ट कंट्रोल, बिकॉज जब ये चॉकलेट्स रेडी हो जाएंगे तब भी मैं इंडल्ज करूंगी। तो लेट्स डू एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे, राइट? तो चलिए अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारे नटी चॉकलेट्स, हार्ट शेप के चॉकलेट्स को तैयार होने में। तब तक चलिए कुछ दिल की बातें हो जाए। Let's go to Mother's Corner and answer some of your questions. You know, मुझे आपसे बातें करने में इतना मजा आता है। इनफैक्ट आई लव कि आप लोग इतने सवाल मुझसे करते हैं, अपनी दिल की बातें करते हैं, अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। आई जस्ट लव आंसरिंग देम। ओके, सो पहला क्वेश्चन है उर्वशी का, जो 14 साल की है बाय द वे, और उसने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है। शी राइट्स, हाई आई एम उर्वशी, आई लव चॉकलेट्स लाइक क्रेजी, बट मम्मी मुझे खाने नहीं देती, बोलती हैं टू मच चॉकलेट इज बैड फॉर हेल्थ, इज इट ट्रू? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि चॉकलेट हैज लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। सो क्यूट, सब बच्चों का यही प्रॉब्लम है। अगस्त्या भी मेरी जान खा लेता है चॉकलेट्स के लिए, ही वॉन्ट्स टू ईट चॉकलेट्स ऑल द टाइम। यू नो, चॉकलेट की जब हम बात करते हैं, अगर आप डार्क चॉकलेट खा रहे हो हाई क्वालिटी का, तो वो आपकी हेल्थ के लिए वाकई में बेनिफिशियल हो सकता है। बट ऑफकोर्स नॉट इन लार्ज क्वान्टिटीज, थोड़ी ही क्वान्टिटी में खाना है। बट यू शुड हैव गुड क्वालिटी चॉकलेट्स, बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, उसके एंटी ऑक्सीडेंट की वजह से इट हेल्प्स यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, इट हेल्प्स द ब्रेन डेवलपमेंट, इट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीजेज। बट आई स्पेसिफाई अगेन एंड एन अगेन एंड अगेन कि कम क्वान्टिटी में। ओके, सो खाइए, मम्मी को समझाइए, पर अच्छी क्वालिटी का डार्क चॉकलेट खाइए। ओके उर्वशी, एंड लिसन टू योर मॉम। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम श्रेया दास, ये 21 साल की हैं एंड शी इज राइटिंग टू मी फ्रॉम कोलकाता। उन्होंने लिखा है, हेलो अमृता, आई सी योर शो रेगुलरली एंड आई लव वॉचिंग इट। आई हैव अ प्रॉब्लम, इट्स माई मदर्स बर्थडे नेक्स्ट वीक एंड आई वॉन्ट टू बाय हर द बेस्ट चॉकलेट्स इन टाउन विद माई सैलरी, नाउ दैट आई कैन अफोर्ड इट।
But I'm also scared that chocolates might harm her because she has recently been diagnosed with diabetes. Problem. लेकिन मम्मी का मैजिक में सब कुछ सॉल्व हो जाता है ना? Well, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं श्रेया that you are a lovely daughter. आप अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना चाहती हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है. यू आर अ गुड गर्ल. आपको अपनी मम्मी की तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही बट साथ ही गॉड की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बिकॉज गॉड लव्स ऑल दोज चिल्ड्रन हु लव देयर पेरेंट्स. तो सबसे पहले तो वो हो गई. दूसरी बात, शी हैज़ डायबिटीज़. तो येस इट्स अ प्रॉब्लम. आप उन्हें चॉकलेट्स दे सकती हैं लेकिन अगेन लाइक आई सेड बिफोर डार्क चॉकलेट्स होना चाहिए. उनके जो पैकेजिंग है उसमें चेक कीजिए, उसका शुगर कंटेंट कम होना चाहिए. इनफैक्ट आप चाहें तो शुगर फ्री चॉकलेट्स भी दे सकती हैं. पर आपकी मम्मी है, समझदार तो होंगी ही. उन्हें बोलिएगा कि मामा चॉकलेट्स खाइए पर थोड़ा सा, डोंट ओवर इंडल्ज. ओके, तो आप भी खुश और मामा भी खुश. ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स बैक टू मेकिंग सम चॉकलेट्स. वेल मेकिंग क्या, मेकिंग तो हो गई है, तैयार भी हो गया होगा हमारे चॉकलेट्स. लेके आते हैं उसे फ्रिज से. Yes, they are ready. Yummy, yummy chocolates with nuts in it. Okay, चलिए अब एक-एक करके हम इन chocolates को इस तरह से निकाल देंगे. Okay, ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल गया है. And you see how beautiful this heart is looking. Again, मैंने ये Wonder Chef का silicone mold use किया, उसके वजह से इतनी आसानी से ये chocolates निकल जा रहे हैं. I'm going to put it in a nice pretty plate, जो अब chocolate की वजह से गंदा हो गया है, साफ कर लेंगे. When you're handling chocolate, ऐसा ही होता है. और देखिए इन chocolates में कितना प्यारा shine आया है. आप बता सकते हैं उसका reason? Reason ये है कि ये जो चॉकलेट्स है वो टेम्पर करेक्ट हुआ है बिकॉज अदरवाइज द शाइन डजंट कम. ये देखिए हमारे नटी चॉकलेट्स तैयार हो गए हैं. तो टाइम फॉर अ चॉकलेटी ब्रेक. लेकिन कहीं मत जाइएगा, डोंट टच दैट रिमोट, क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ विद द मदर ऑफ ऑल चॉकलेट्स. बेसिकली आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी 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 एक्साइटिंग बुके ऑफ चॉकलेट्स जिसे आप अपने लव्ड वन को प्रेजेंट कर सकते हैं. एक्साइटिंग ना? Very exciting. तो जल्द वापस आइए and I am going to be ready for you. Nutty dark chocolate बनाने के लिए डबल बॉयलर पर चॉकलेट को पिघला ले. एक नॉनस्टिक पैन में अखरोट और बादाम को सुनहरा और क्रंची होने तक सूखा भून ले. अब चॉकलेट को आंच से हटाएं और लगातार मिलाते हुए रूम टेम्परेचर तक ले आएं. उसमें डाले भुने हुए नट्स और अच्छे से मिलाएं. अब इस चॉकलेट नट मिश्रण को छोटे हाथ के आकार के सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड में डालें, थपथपाएं और अधिक चॉकलेट को ऊपर से स्क्रैप करके 10 से 15 मिनट तक या पूरी तरह सेट होने तक फ्रिज में रखें. डीमोल्ड करें और परोसें.